रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दुबई कोर्ट ने दो भारतीय नागरिकों को सुनाई ऐसी सजा, 5 जन्म में भी नहीं होगी पूरी। नई दिल्ली। दुबई कोर्ट ने भारत के 2 व्यक्तियों को घोटाले मामले में ऐसी सजा सुनाई है कि सुनने वाले सोच में पड़ जाएं। ये सजा गोवा के 37 वर्षीय सिडनी लिमोस और उनके अकाउंट विशेषज्ञ रियान डिसूजा को 13 अरब रुपए की धांधली के मामले में सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस घोटाले में हजारों निवेशकों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते उन दोनों के सजा की अवधि 500 साल निर्धारित की है। इस झूठे वादे की भुगतानी पड़ रही है सजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिमोस की कंपनी ने निवेशकों को प्रलोभन दिया था कि वो उनके यहाँ निवेश करें तो भारी रिटर्न देगा। लिमोस ने $25,000 के निवेश पर 120% का न्यूनतम सालाना रिटर्न देने का वादा किया था, लेकिन अब ये धोखेबाजी सामने आने पर लेने के देने पड़ गए। पत्नी पर भी दर्ज हुआ है केस। लिमोस और उसके अकाउंट विशेषज्ञ के अलावा उनकी पत्नी वलानी पर भी केस दायर किया गया है। उन पर आरोप है कि वो सील ऑफिस में गैर कानूनी रूप से घुसकर दस्तावेज ले गई। पहले ही हुए थे गिरफ्तार। इस मामले में लिमोस को सबसे पहले 2016 के दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद जनवरी में फिर उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके अकाउंट स्पेशलिस्ट को फरवरी में दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। भारत में भी कम नहीं है ऐसे मामले। गौरतलब है कि इन्वेस्टमेंट के पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने वालों को इस सजा से सबक लेना चाहिए। भारत में भी इस तरह के अनगिनत केस पड़े हैं, लेकिन इतनी ठोस कार्रवाई के अभाव में यहाँ ये चलन थमने का नाम नहीं ले रहा है।